क्या है ये? रात का नशा। तो माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ रिवोल्ट आफ्टर 500 किलोमीटर राइड करने के बाद मैं रियल फैक्ट बताऊंगा। तो पहले कुछ प्रोस बता देता हूँ जल्दी से, देन कॉन्स में आऊँगा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बाइक को ख़रीदने से पहले, जो कोई नहीं बता रहा वो मैं बताऊँगा। तो 1.5 लाख रुपए के प्राइस में ये एक स्यूडो स्पोर्ट्स बाइक जैसा फील देता है, लुक में भी एंड साउंड में भी। साउंड में दिखाता हूं, चाबी भूल गया, एक मिनट। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड मैं डेफिनेटली कह सकता हूं हैंड्स डाउन की नेक टर्नर तो जरूर है एग्जांपल। इसके अलावा एक और चीज, लड़का ही नहीं इसको लड़की लोग भी आराम से चला सकती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कोई साइलेंसर नहीं है मेरे पे टेक। तो इससे क्या होता है कि कोलकाता में जो पिछले साल बारिश हुआ था, जो घुटना तक हम लोग का स्कूटी चल ही नहीं रहा था, पूरा साइलेंसर में पानी घुस जाता था, आई थिंक ये बीस्ट उसको कवर अप कर लेगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स के बारे में। कॉन्स के बारे में अगर शुरू करूँ तो ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बना है। मेरा डिलीवरी लड़का इसको डिलीवरी करने के लिए लेके गया एकदम ऑफ रोडिंग कीचड़ वाला रास्ता में, जब वापस आया तो बाइक आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मैं स्क्रीन पर डेमो दिखाऊंगा क्या हालत हुआ था। ये यहाँ पूरा ये जो देख रहे हैं कचड़ा यहाँ जम गया था, जो अभी भी जमा हुआ है। यहाँ कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था। ये पीछे साइड जो पीछे वाला चक्का पे जो बेल्ट है, ये बेल्ट उतर गया था अपने जो रिम होता है उससे, ये बेल्ट उतर गया था अपने रिम से। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा दो किचन का एम्प्लॉई, एक जन ढकेला एक जन बेल्ट चढ़ाया। ऑफ रोडिंग में ये खिलौना नहीं चलेगा, ये क्लियर हो चुका था मेरे को उस दिन। फुल प्रॉमिस करता है कि ये बाइक 140 किलोमीटर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर ने इसका लाइव टेस्ट किया, 115। मेरा वेट 100 केजी के अप्रॉक्स से, तो 110 के नीचे ही रहता है अप्रॉक्स। लेकिन मेरा डिलीवरी लड़का लोग जब से बाइक चला रहा है, मैं स्क्रीन पे प्रूफ देता हूँ, 75 का रेंज दे रहा है। पहले मेरे को लग रहा था रिवोल्ट टाटा है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिक बाइक, मेरे को टाटा नेक्सॉन ईवी का जब मैं टेस्ट राइड लेने गया था, वहाँ के सेल्स मैन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेरे को बोला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियंस को गाड़ी चलाना सिखा रहा है। अब लगता है हाँ, कैसे? जब भी ये बाइक आप चलाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इधर आना, ठीक है? तो जब भी हम लोग बाइक चलाते हैं, हम लोग फर्स्ट मोड में हम लोग को पता है कि टॉप स्पीड 40 से 45 के बीच में रहेगा, तो हम लोग एक्सीलेटर ऐसे देते हैं। कैसे? ऐसे फुल। तो इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ देखेंगे कि जो कितना ज़्यादा आरपीएम एक बार में आप करना चाह रहे हैं, ये इसके चलते क्या होता है कि इसमें इसका चार्ज बहुत खाता है। जैसे हम लोग अगर नॉर्मली इसको धीरे धीरे एक्सेलरेट करें तो ठीक है, एक ग्राफ यूनिफॉर्म आता है, लेकिन जब ये फुल एक्सेलरेटर दे रहे हैं, क्यों पता है टॉप स्पीड 40-45 है, तब चार्ज बहुत खाता है, इसके चलते रेंज कम हो जा रहा है, जो मेरा डिलीवरी लड़का लोग गलती कर रहा है। सेम टाटा नेक्सॉन के ईवी मैक्स से टेस्ट ड्राइव में मेरा आदत है डीजल एसयूवी में एक्सीलेटर देने का, फर्स्ट गियर में स्पीड बढ़ाने का, तो ग्राफ ऐसे उठ गया था। तो वो मेरे को बोला कि एक इंडियंस को ड्राइविंग आता ही नहीं है, एक कांस्टेंट ड्राइव की टाटा का ईवी मैक्स का जो रेंज है 434 किलोमीटर, रियल लाइफ रेंज वो 300 प्लस तब देगा जब आपको प्रॉपर गाड़ी चलाना होता हो, जो ये बाइक भी मेरे को प्रूव करके दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियंस को राइडिंग सिखा रहा है फॉर श्योर। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि रिवोल्ट हरियाणा का जो कंपनी है, बाइक बहुत अच्छा बना रहा है, लेकिन जो सेल्स का सेल्स एंड पोस्ट सेल सर्विस मेरे को अप टू द मार्क नहीं लगा। मैं बताता हूँ क्यों। AGC बोस रोड में कोलकाता में ईस्टर्न इंडिया का सबसे पहला रिवोल्ट का शोरूम खोला। मेरा अभी तक कितना बार रिवोल्ट में जाना पड़ा है मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। पहली बार मैं गया, मैं रिवोल्ट का दोनों बाइक का टोकन मनी 10,000 यानी 20,000 देने, मैं मेरे और मेरे पापा के नाम पर बाइक लिया। वहाँ का जो सेल्समैन था, जो इंटर्न था, एंड वहाँ के जितने भी स्टाफ थे,
मेरे को बोले मेरे और मेरे, मैं बोला कि मेरे और मेरे पापा का डॉक्यूमेंट झारखंड का है, आधार पैन सब चीज़। तो बोला कोई इशू नहीं सर, आप बुकिंग अमाउंट दे दीजिए। सेकेंड बार में गया 40 डेज बाद बाइक का पूरा पेमेंट करने, जो भी है 150 अप्रॉक्स 3 लाख रुपीज़। तीसरा बार मेरे को बीच में उसके बाद 40 डेज बाद पूरा पेमेंट हो गया, फिर मेरे को कॉल आता है कि सर आप लोगों का तो झारखंड का डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ RTO में नहीं हो पाएगा। हम लोग तो आप क्या कर रहे हैं कि मैं जमशेदपुर जो मेरा होम टाउन है वहाँ जाऊँ, 300-600 किलोमीटर बाइक चला के जा रहा हूँ। बोला हाँ सर जमशेदपुर तो पास में बॉर्डर में ही, कोई इशू नहीं होगा। आई मीन लाइक तुमको सुनाई दे रहा जो तुम बोल रहे हो। थर्ड टाइम मैं गया, मेरे और मेरे पापा का डॉक्यूमेंट्स को चेंज करके मैं मेरे नाम पे, यानी जो शूट करिए पारो के नाम पर, हम लोग की कंपनी के नाम पर बाइक लेने थर्ड बार। फोर्थ बार वो लोग कंपनी का स्टैम्प और ये सब सील लेना भूल गए। फोर्थ बार मैं कंपनी का स्टैम्प और सील देने गया। फिफ्थ बार मैं बाइक का रिसीविंग के लिए गया हूँ और अभी मेरे को बोला जा रहा है कि पारो के नाम पर जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो कंपनी के नाम पर बाइक है उसमें GST आपको सबमिट करना होगा। और मैं अभी जस्ट स्टार्टअप किया और GST भी नहीं है, और बहुत सारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में इंडिया में जानता हूँ जिसके पास GST नहीं है, तो वो लोग बाइक कैसे लेंगे? अगर आपको GST ही लेना था पहले बताते, मैं दूसरे किसी के नाम पर बाइक ले लेता। तो अभी GST के बिना स्मार्ट कार्ड इशू नहीं होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरा पड़ा हुआ है पता नहीं किस स्टेज में। उसके बाद अभी GST सबमिट करने जाना होगा, GST बनवा के, एंड उसके बाद फिर स्मार्ट कार्ड लेने जाना पड़ेगा। तो ये 7 बार हो रहा है एक बाइक का डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट होने में। जो आदमी अपने हार्ड एंड मनी 3 लाख रुपए लेके बाइक ले रहा है, उसको 7 बार जाना पड़ रहा है शोरूम। यहाँ आप लोग क्लियरली देख सकते हैं सिर्फ साइड स्टैंड है, सेंटर स्टैंड इस बाइक में है ही नहीं। तो क्या होता है जब मान लीजिए भगवान ना करे कभी पंचर हुआ आपका, मिस्त्री हमेशा क्या बोलता है भैया सेंटर स्टैंड में बाइक लगाइए, या जब भी कुछ टायर को रिलेटेड बाइक को रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप सेंटर स्टैंड में लगा ही नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है मिस्त्री लोगों को ये बाइक रिपेयर करने में। तो अगर आप अपना बाइक घर के एकदम सामने खड़ा कर सकते हैं तो ठीक है, आप चार्जिंग यहाँ चार्जिंग केबल खींच के अपना बाइक चार्ज कर लीजिए। लेकिन अगर आपका बाइक आपके गैरेज में है, घर से काफ़ी दूर है, तो तब आपका चार्जिंग प्रोसेस बहुत टीडियस होगा। क्यों? पहले आपको यहाँ से ये चीज़ प्रेस करके खोलना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो रहता है ये, इसमें हल्दीराम का भुजिया भूल जाइए सॉरी, इसमें ये ऐसे बैठे रहता है, इसको हटा के, ये रिवोल्ट का मेन बैटरी है। फिर पहले MCB गिरा के कनेक्शन सॉकेट खोल के, देन ये 20 kg का बैटरी को उठा के अपने घर आपको ले जाना है। ये 20 kg का बैटरी को उठा के अपने घर ले जाना है, वहाँ चार्ज करना है 3.5 से 4 घंटा, देन उठा के 20 kg का बैटरी को डालना है। मेरे लिए तो ठीक है, उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन शायद बहुत जन के लिए मुश्किल हो। तो चार्जिंग प्रोसेस घर के पास अगर आप चार्ज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। घर के पास क्या होता है, ऐसे मेरा 2 बाइक है तो एक ही प्लग पॉइंट है जो वॉशिंग मशीन का, उसी से चार्ज हो रहा है। एक तो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, एक तो बहुत अच्छा यूट्यूब में कोई सॉल्यूशन मिला कि एक बूस्टर बोर्ड में एक 15 से क्या एम्पियर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टाइप लगा के नॉर्मल वो बूस्टर बोर्ड में, यानी जो बड़ा वाला होता है 5-6 दा वाला बोर्ड, उसी से इसको चार्ज कर ले रहा है। वो वॉशिंग मशीन मिक्सी वाला पॉइंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वो मेरे को खरीदना बाकी है, लेकिन मेरे को बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशन लगा। एंड जो लास्ट पार्ट है वो हेलमेट का है। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि जो मैं गलती किया आप ना करें। मैं अपना हेलमेट ले कर बाइक खरीदने गया था, जब वापस आया तो मैं 4 हेलमेट ले कर मेरे को वापस आना पड़ा था। क्योंकि वो लोग बहुत स्मार्टली क्या करते हैं, जब टोटल आपसे ओवरऑल पेमेंट कराएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, 675 का 2 हेलमेट मेरा इंक्लूडेड था। एक बाइक आप लेंगे 1.5 लाख का तो 675 रुपये का हेलमेट इंक्लूडेड हो जाता है, वो बिना आपसे पूछे। एंड जब आप बाइक लेने जाएंगे तो आपको हेलमेट खरीदना ही होगा। आप लाख मना करें, मैं लाख बोला कि मैं 4 हेलमेट लेके क्या करूँगा, वो लोग हमेशा बोलते हैं सर बिल बन गया, अब हम लोग सिस्टम से नहीं हटा सकते, तो आपको ले लेना होगा। आप कैसे भी सर ले जाइए, थोड़ा लटका दीजिए, यहाँ हैंग कर दिए, वहाँ हैंग कर दिए, लेकिन प्लीज़ लेके जाइए, सिस्टम में बिल बन गया है। नो डाउट बोलूँगा हेलमेट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कंपलसरी हेलमेट लेना होगा। रिवोल्ट बाइक के साथ हेलमेट सेलिंग का ये कंबाइंड स्ट्रेटेजी है, इसलिए बाइक खरीदने जाएंगे तो स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपको हेलमेट रियली चाहिए कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे बाइकर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हेलमेट ऑलरेडी रखते हैं, तो वो लोगों के कंपेयर में ये 675 का हेलमेट कुछ नहीं, लेकिन जो आम आदमी है जो 200-300-400 का हेलमेट ले रहा है उसके कंपेयर में ये हेलमेट बहुत अच्छा है। दूसरा इशू जो हेलमेट में फेस किया, वो लोगों के पास एक लिमिटेड फिक्स हेलमेट रहता है, XL साइज, M साइज। मेरा माथा थोड़ा बड़ा है, जो भी रीज़न के लिए मेरा XXL साइज मेरे मुंह पे फिट होता है, वहाँ कोई भी हेलमेट नहीं है XXL का, मेरे को मजबूरी में XXL का 2 हेलमेट लेना पड़ा। तो ये सब हेलमेट को लेके भी एक बार अपना बिलिंग जो है प्रॉपर देखिएगा कि क्या क्या है।
हाँ, बिलिंग से याद है एक और फैक्टर जो है, आपको लगभग 5,800 पर बाइक कोलकाता में बता रहा हूँ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब जो आप अपना टोटल बिल ऐड करेंगे ना, तो 1,42,000 या 1,43,000 में स्क्रीन में बता दूंगा कितना टोटल है, लेकिन जब आप बिल पे करेंगे तो 1,48,300 के अप्रॉक्स रहेगा। मैं स्क्रीन में एग्जैक्ट डिटेल्स बताऊंगा। तो ये डिफरेंशियल 5,800 का है। मैं क्लारिफिकेशन के लिए पूछा, ये 5,800 किस लिए लग रहा है? तो वो लोग बोलते हैं वो जो RTO ऑफिसर है घूस लेता है, ब्रोकर घूस लेता है, हम लोग 1,000 रुपये लेते हैं, आपका नंबर प्लेट लगेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ये सब मिला के 5,800 रुपीज़ आपका बिल अमाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, वो आपको अलग से पे करना है। हेलमेट एडिशनल, ये एडिशनल, बाइक का कॉस्ट एडिशनल, दिल्ली में शायद सब्सिडी भी मिल रहा है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। मैं जब बाइक लेने गया उस समय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्सेस हटेगा और कम होगा, तो मैं कॉल भी किया, वो लोग बोले कि हाँ सर अनाउंसमेंट तो हो गया लेकिन RTO ऑफिसर में RTO की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैं पूछा उससे, जब गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया है तो RTO की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं है, इसका क्या मतलब है? मतलब वो बोलता है सर सिस्टम में डालने से एंट्री ले लेता है, अभी एंट्री नहीं ले रहा, आपको ओरिजिनल प्राइस ही पे करना है, एंड दैट टू बाइक का प्राइस भी हम लोग बढ़ा रहे, तो नेट में देखा जाए आपका 1,000 रुपये का फायदा है। वो लोग कुछ भी करके मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए थोड़ा शोरूम में अपना नाक का नाक खुला रखिएगा।